गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमतये नमः ओम राम राम आय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। धनु राशि दिसंबर का महीना राशिफल कैसा रहेगा आपका तन मन धन जन गोपो लक्ष्मी कैसा रहने वाला है आपका इस दिसंबर का महीना करियर भाग्य आपका दिसंबर महीना ग्रह गोचरीय स्थिति क्या लेके आ रहा है सबसे पहले जाने ग्रह स्थिति धनु राशि का। धनु राशि के लग्न में बुध तृतीय में शनि चतुर्थ में राहु पंचम में गुरु बृहस्पति और धनु राशि वालों का दशम स्थान में केतु और एकादश स्थान में सूर्य और मंगल। सूर्य 18 तारीख को गोचर कर जाएंगे और सॉरी आपके एकादश धनु राशि के द्वादश स्थान में मंगल और सूर्य आपके लग्न पे आ जाएंगे 16, 17, 18 को सूर्य गोचर हो जाएगा। मंगल इस समय स्वग्रही वृश्चिक में पड़े हुए हैं और बुध आपके घर में पड़े हुए हैं और यहाँ शुक्र स्वग्रही केतु यहाँ पर कन्या में। क्या परिणाम पहला देखते हैं स्वास्थ्य 7:30 खत्म है स्वास्थ्य स्वाभाविक बात है अच्छा रहेगा लेकिन द्वादश में जब ऐसे प्लैनेट आते हैं मेंटल टेंशन जनित प्रॉब्लम मंगल का स्वगृही होने के कारण भूकंपष्ट होने के कारण कुछ कम रहेगा लेकिन होगा। खर्चा बढ़ना सूर्य द्वादश में आना और तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्चा बढ़ने का स्थिति बनता है। लग्न में बुध और बुध आपके लिए यहाँ दशमाधिपति बन के यहाँ पर आना उत्तम फल कहा जाएगा लेकिन यहाँ बुध आपके सप्तमाधिपति भी है यहाँ पर आना और अपने घर को देखना तो एक अच्छा कंडीशन कहा जाएगा। तो स्वास्थ्य के मामले में अगर बात करते हैं 70-80% अच्छा कहा जाएगा लेकिन खर्चा बढ़ सकता है स्वास्थ्य के मामले में। बात करते हैं धन का स्थिति अपने से तृतीय में धन का चिंता कोई खास नहीं है लेकिन केतु का दृष्टि होने के कारण 30% का माइनस यहाँ पर होगा। 70% धन वाणी परिवार ठीक रहेगा वाणी को थोड़ा सा सावधानी से जरूर चलाना चाहिए। बात करते हैं आपके पराक्रम छोटा भाई बहन मित्र बंधु कम्युनिकेशन स्मॉल डिस्टेंस टूर एंड ट्रेवल्स जर्नी निकट यात्रा। शनि बैठे हैं बमबमा के गुड बेस्ट सॉलिड लेकिन कमी होगा क्योंकि मंगल का दृष्टि यहां पर दिखाई दे रहा है। शनि मंगल शनि के ऊपर मंगल मंगल के ऊपर शनि और आपके द्वादश में शनि का भी दृष्टि राहु का भी दृष्टि सूर्य और मंगल के ऊपर तो यहां पर ये उतना ज्यादा फल जिसमें बहुत ज्यादा आशा किया जाता था इस समय मिलने का आशा थोड़ा कमेगा घटेगा। चतुस्थान भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में माता सुख मन के क्षेत्र में मन में राहु मेंटल टेंशन मंगल द्वादश में मेंटल टेंशन हाई ब्लड प्रेशर जैसे सिचुएशन खर्चा में वृद्धि मानसिक लेवल पे असमंजस्यता दिखाई दे सकता है लेकिन पंचम में गुरु बृहस्पति इन सब को मैटर को संभाल लेंगे ये भी दिखाई दे रहा है। यानी इस समय भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में जो कोई भी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करने का आवश्यकता है और ना करें तो अच्छा है। राहु जहां बैठता है धोखा वहीं से आता है समझ के। माता का सुख हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा चिंतनीय रहेगा भ्रमजनित रोग देगा जहां पर अननेसरी खर्चा दिखाई दे रहा है इस महीना तनाव दिखाई दे रहा है। बात अब करते हैं आपके पंचम स्थान प्रेम का गुड बेटर बेस्ट सॉलिड प्रेम के घर में ही लग्नेश गया है तो प्रेम अच्छा पढ़ाई शिक्षा क्षेत्र अच्छा लेकिन ये दोनों कंडीशन मन में राहु और द्वादश में मंगल कहीं ना कहीं भी भ्रम करा देगा। दाम्पत्य सुख का बात करते हैं बढ़िया गुड बेटर बेस्ट सॉलिड चिंता का बस विषय नहीं है। अब यहां बात करते हैं आपके करियर इस समय करियर का स्थान के ऊपर ये राहु का दृष्टि और करियर के घर में केतु का बैठना केत छुड़ा एक खेत बहुत सारे डिमोशन बहुत सारे प्रमोशन बहुत सारे जिनका केतु कुंडली में अच्छा है प्रमोशन मान सम्मान का प्राप्ति जिसका नहीं है उथल पुथल केत छुड़ाए खेत ट्रांसफर या आपका मेहनत दूसरे को फायदा मुर्गी दे अंडा खाए उसका मालिक और आप काम करोगे लेकिन मान सम्मान में कमी आपका श्रेय देने में कमी आपका फल किसी और को भोग ऐसा डिपेंड करता है आपकी कुंडली के अंदर। यहाँ डबल बेनिफिट केतु का जो कंडीशन है ये निर्भर करता है आपकी कुंडली के गोचरीय स्थिति में कहा जाए तो ठीक ठाक है और इसका जो भी प्रॉब्लम है
मार्च तक रहेगा, मार्च के बाद गुरु का दृष्टि में आ जाएगा, पूरा साल भर संभाल लेंगे, चिंता का कोई विषय नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ आपका लाभ स्थान। लाभ स्थान में सूर्य मंगल, लाभ स्थान में स्वग्रही शुक्र आपको अच्छा फल कराएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जहां बातचीत यहां पर यह है कि शुक्र आपका षठाधिपति बनते हैं तो उस क्षेत्र में थोड़ा सा बिल्डअप, लेकिन एकादश में कोई प्लानेट खराब फल नहीं देता, लेकिन शुक्र अच्छा नहीं दे पाते हैं, शुक्र अगला घर का देते हैं। तो मंगल, सूर्य और शुक्र, और सूर्य आपके घर में आ जाएंगे तो 16, 17, 18 के बाद आपके अंदर हाई टेम्परामेंट होना, थोड़ा सा क्रोध आना, बहुत सारे एक्सरसाइज करके मसल पेन इत्यादि होना, इस प्रकार का छोटे मोटे समस्याएं बिल्डअप हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये महीना धनु के लिए उत्तम कहा जाएगा। गुड डेज एंड बेड डेज, सबसे पहला महीना में ये 13 और 15 और 16 प्लानिंग का डेज रहेगा, अच्छा प्लानिंग करिए, अच्छा दिन रहेगा, अच्छा निर्णय ले सकते हैं। थोड़ा सा नॉट गुड रहेगा 16 और 17, संभाल के चलना चाहिए। बेस्ट डेज 17, 18, 19, पराक्रम में वृद्धि, कर्म में सफलता, कई सारे यात्राओं को दे सकता है, जरूर करें। 19, 20, 21 थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी रहेगा, भय थोड़ा सा बिल्डअप हो सकता है। 22, 23, 24 गलत निर्णय होगा, थोड़ा सा रुक जाएं। 24, 25, 26 गुड, बेटर, बेस्ट, आरोग्य, सफलता, टेंच रहेगा, बढ़िया दे रहेगा। 26, 27, 28 पिकनिक में जाएं, एंजॉय करें, मस्ती करें, मजा करें, बढ़िया डे रहेगा, लेकिन घातक यंत्रों से भी सावधानी रहना। 25, 1, 2, 29, 30, 3 ये टाइम डेट्स आपके लिए कहीं ना कहीं बाधक साबित हो सकते हैं, कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम बिल्डअप कर सकता है, मानसिक तनाव बिल्डअप कर सकता है, मन में थोड़ा सा नैराश्यता रहेगा, निर्णय ना लें, थोड़ा सा थकावट, दुर्बलता 4, 31, 5 संभाव 6 तक। उसके बाद आपके लिए बेस्ट गुड सॉलिड टाइम बन जाएगा ये 8, 9 कर्म सिद्धि योग सफलता लाभ 10, 11 तगादा में जा सकते हैं। बिना फालतू का यात्रा और परेशानी 12 और 13 इनमें सावधान रहें। ये था धनु का, धन्यवाद, नमस्कार।